हेलो टेकुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ टेकुक फैन फिक्शन ब्रदर इन लॉ साइको ऑब्सेशन के लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जोंगकुक तेयंग के हैंडसम लुक और डार्क गेज को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके इग्नोरेंस ज़्यादा देर तक काम नहीं करता। तेयंग चलकर उसके करीब आ जाता है और उसे बैक हक कर अपने लिप्स उसके गर्दन के पीछे ब्रश करने लगता है। जोंगकुक को अपने लेग्स वीक होता हुआ महसूस होने लगता है। शादी के 1 मंथ हो चुका था, लेकिन तेयंग जब भी उसे टच करता है उसे हर बार ऐसा ही महसूस होता है। तेयंग के छूने पर उसे अभी भी अपने स्टोमक में बटरफ्लाइज महसूस होता है और हर बार जोंगकुक पहले जैसा ही वीक महसूस करता है। अचानक तेयंग जोंगकुक के नेक पर वेट किसेस देना स्टार्ट कर देता है, जिसे जोंगकुक मौन करने लगता है। तेयंग किस करते हुए डीप एंड सेक्सी टोन में कहता है, बेबी तुम एक कैसे भूल सकते हो, आज हमारी शादी के 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है तो मुझे लगा इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। जोंगकुक बात करने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं था, वो बस तेयंग के बात पर हूँ कहता है। तेयंग अपने हैंड जोंगकुक के चेस्ट से स्लाइड कर थोड़ा नीचे लेकर आता है और उसके शर्ट के अंदर स्लाइड कर जोंगकुक के टाइनी वेस्ट रैप करना स्टार्ट कर देता है। जोंगकुक स्लोली तेयंग के चेस्ट पर अपनी सिर ढीला छोड़ देता है रेस्ट के लिए, और इससे तेय को और स्पेस मिल जाता है। तेयंग अपना हाथ जोंगकुक के कमर से हटाकर उसके अपर बॉडी तक लेकर आता है। तेय कुकी के चेस्ट अपने लार्ज हैंड से रैप कर स्क्वीज करने लगता है। जोंगकुक कुछ कहने ही वाला था, लेकिन अचानक उसे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ जब तेयंग उसके निपल पर हार्शली पिंच करने के साथ साथ उसके नेक पर स्ट्रॉन्ग बाइट करता है। जोंगकुक के बॉडी शिवर करने लगता है। जोंगकुक गिरने ही वाला था, तभी तेयंग उसे अपने आर्म्स में कैरी कर बेड पर लेकर आता है। तेयंग जोंगकुक को बेड पर लेटाकर तेयंग खुद कुकी के ऊपर आ जाता है। तेय किसी भी परमिशन के लिए इंतजार नहीं करता, वो सीधा कुकी के शर्ट अनबटन करना स्टार्ट कर देता है। जोंगकुक अपने कांपती हुई हाथों से तेयंग के लार्ज हैंड होल्ड कर सॉफ्ट टोन में कहता है, ये तुम क्या कर रही हो तेय, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। पिछले रात हम दोनों ने जो कुछ भी किया उसी का दर्द अभी भी मेरे शरीर में है, अब फिर से ऐसा करने से मुझे डर है कल मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाऊँगा। तेयंग खुद को उसके नज़दीक लेकर आता है और उसके कान में किस करके धीरे से कहता है, नो प्रॉब्लम लव, तुम जहाँ भी जाना चाहो मैं तुम्हें कैरी करूँगा। एक कहकर तेय जोंगकुक के टोन चेस्ट पर हार्डली सक करना स्टार्ट कर देता है। होल कमरे में तेयंग के सकिंग साउंड ही गूंज रहा था। जोंगकुक अपने लेग से तेयंग के वेस्ट को पूरी तरह से जकड़ लिया था। तेयंग के एक्शन जोंगकुक को एवरी सेकेंड और भी ज़्यादा इसे कंटिन्यू करने के लिए डेस्परेट बना रहा था। तेयंग जोंगकुक के हेयर्स पकड़ उसके फेस ऊपर की ओर टर्न कर उसके साथ आई कॉन्टैक्ट कर स्मार्क करते हुए कुकी के रेड लिप्स पर किस कर डीप वॉइस में कहता है, तुम सच में एक टीज हो। जोंगकुक के आंखों में आंसू था, लेकिन ये आंसू पेन के वजह से नहीं प्लेजर के वजह से था जो तेय उसे अभी दे रहा था। तेय अपने बेबी को रोते देख अपने टंग से उसकी आंसू लीक करते हुए सॉफ्ट एंड लविंग टोन में पूछता है, बेबी बॉय क्या मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। जोंगकुक हेड शेक कर मना करता है। तेय फिर से कुकी के गर्दन पर किस करके कहता है, तो तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। जोंगकुक शेकिंग वॉइस में कहता है, बहुत अच्छा लग रहा है, आई लव यू तेय तेय। तेयंग बॉक्सी स्माइल करके कहता है, इवन आई लव यू मोर माई लव, आई लव यू मोर देन एनीथिंग। जोंगकुक तेयंग के आर्म्स टाइटली पकड़ कर कहता है, मुझसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जिमिन गुस्से में चीख रहा था और रोते हुए कह रहा था, क्यों तेयंग क्यों, क्यों तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा किया। किसी को मेरे बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ ये सब तुम ही ने किया है। योंगी जिमिन को अपने आँखों के सामने इस तरह से टूटते हुए नहीं देख सकता था। जिमिन को नहीं पता
योंगी उसे प्यार करता है क्योंकि योंगी कभी जिमिन से अपना प्यार कॉन्फेस ही नहीं किया था। योंगी जिमिन के दर्द को महसूस कर पा रहा था, उसके आवाज़ में जो दर्द था उसे महसूस कर पा रहा था। योंगी जिमिन को हाँक कर लेता है और उसे कंसोल करने की कोशिश करते हुए कहता है, प्लीज़ जिम तुम शांत हो जाओ, तुम्हें खुद को हर्ट नहीं करना, तुम्हें खुद को और स्ट्रांग बनाना है, अपने मॉम डैड के लिए और खुद के लिए स्ट्रांग बनना है। तुम्हें किसी ने कोई पनिशमेंट नहीं दिया, अगर तुम अभी रिहब सेंटर में हो तो खुद के बेटरमेंट के लिए हो। जिमिन तेने कुछ भी नहीं किया, वायन की डेथ एक एक्सीडेंट था बस, प्लीज़ खुद को संभालो, मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए और खुद को हर्ट करते हुए नहीं देख सकता। जिमिन अचानक योंगी को कसकर गले लगाकर लाउडली रोते हुए कहता है, शुगा मैं पागल नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं यहाँ और नहीं रहना चाहता, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकलने में मदद करो, ट्रस्ट मी मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलूँगा, योंगी कहता है। जिमिन हम सब जानते हैं तुम पागल नहीं हो, तुम बिल्कुल ठीक हो, अंकल आंटी यही चाहते हैं, तुम यहाँ रहकर अच्छे से ट्रीटमेंट कराओ, वो लोग बस तुम्हारी गंदे आदतों को छुड़ाने के लिए तुम्हें यहाँ एडमिट किया है, ये हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट है, ट्रस्ट मी, और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारी ड्रिंक करने की आदत छूट जाए। जिमिन कॉन्फ्यूजिंगली पूछता है, तुम ऐसा क्यों चाहते हो? योंगी कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसीलिए चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो। ये कहकर योंगी जिमिन के लिप्स पर अपने लिप्स प्रेस कर उसे सो मच लव और पैशन के साथ किस करना स्टार्ट कर देता है। जिमिन योंगी के अचानक एक्शन से फ्रीज हो जाता है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। योंगी एक लॉन्ग किस के बाद किस ब्रेक कर जिमिन के तरफ देखकर कहता है, आई नो अभी तुम शॉक्ड में हो, मैं तुम्हें सोचने का मौका दूंगा, लेकिन प्लीज़ मेरे प्यार को रिजेक्ट मत करना, बहुत लेट हो चुका है, मैं कल दोबारा तुमसे मिलने आऊँगा। दूसरी तरफ तेंग अपने लब से जंगकुक को पूरी तरह से मेस कर दिया था। जंगकुक मेस होकर बेड पर लेटा हुआ था, इससे पहले जंगकुक उसे और कुछ कह पाता ते उसे बेड पर अकेला छोड़ कुछ देर के लिए दूसरी कमरे में चला गया, और वो जब वापस आया उसके हाथ में एक वुडन बॉक्स था। जंगकुक क्यूरियसली पूछता है, इसके अंदर क्या है तेई तेई? तेंग स्मार्क कर बॉक्स बेड साइड टेबल के ऊपर रख उसे ओपन कर जोंगकुक को दिखाने लगता है। बॉक्स के अंदर बहुत सारे टॉयज थे जिसे लोग खुद को प्लेजर देने के लिए इस्तेमाल करता है। टॉयज देख जोंगकुक कॉन्फ्यूजिंगली तेई से पूछता है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तेंग उसमें सैंड कप और वाइब्रेटर निकाल लेता है और जोंगकुक से कहता है, इसे मैं तुम्हें ट्राई कर दूंगा। और फिर इससे पहले ते कुछ और कह पाता जोंगकुक तेयंग के बातों से बहुत ज़्यादा डर जाता है। खुद को इस पागलपन से सेव करने के लिए जोंगकुक ते को पीछे की ओर पुश कर बेड से उतरकर दरवाजे की ओर भागने लगता है, लेकिन तेयंग उसे पकड़ लेता है और सेफली अपने बाहों में होल्ड कर प्यार से पूछता है, क्या हुआ लव, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। जोंगकुक कहता है, तेई छोड़ो मुझे, मैं ये डर्टी गेम नहीं खेलना चाहता। अब ते को समझ आता है कि जोंगकुक किस बात से इतना डरा हुआ है। तेंग स्मार्क करके कहता है, लव तो तुम इन टॉयज के वजह से डरे हुए हो, ये मैं तुम पर ऐसे भी यूज़ नहीं करने वाला था, मुझे एक गिफ्ट के तौर पर मिला है, मैंने कभी इस तरह की चीज़ ट्राई नहीं किया था तो मुझे पता नहीं है कि कैसे काम करता है, और जिस चीज़ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है वो मैं तुम पर कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं बस तुम्हारे रिएक्शन देखना चाहता था, तुम सच में बहुत प्योर और इनोसेंट हो, आई लव यू बेबी बॉय। जोंगकुक तेयंग के साथ जिस होटल में ठहरा था इसका ओनर तेयंग खुद है। वन नाइट के लिए तेयंग होटल कम्प्लीटली एम्प्टी कर दिया था ताकि उन दोनों के आसपास और कोई ना हो। तेंग खुद अपने हाथों से जोंगकुक के लिए कुकिंग करता है। जोंगकुक अपने बिग डोई आईज से अपने हैंडसम हस्बैंड को अपने लिए खाना बनाते हुए देख रहा था।
उसके माइंड से सर्जरी वाली बात पूरी तरह से निकल चुका था। जोंगकुक तेय को देख ब्लश कर रहा था। जोंगकुक तैयंग के साथ बिताया हुआ अच्छे पल को याद करने लगता है। तैयंग कुकिंग खत्म कर चुका था। ते टेबल पर फूड सर्व कर जोंगकुक के पास आकर उसके चिक्स पर किस करके कहता है, लव क्या तुम थोड़ी देर और वेट नहीं कर सकते? एक्चुअली कुकिंग करने के बाद मुझे थोड़ा टायर्ड फील हो रहा है। मैं खाने से पहले थोड़ा फ्रेश होना चाहता हूँ। जोंगकुक तेय के तरफ देख स्माइल कर कहता है, ओके तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा। तेंग फ्रेश होने शावर रूम के अंदर आ जाता है। तेय शावर के बाद लूज टी शर्ट और शॉर्ट पहनकर बेड के ऊपर से फ़ोन हाथ में लेकर नीचे आ जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब बैठकर फूड इंजॉय करने लगता है। अचानक खाने के बीच में तेय जोंगकुक को अपने लैप पर बैठने के लिए कहता है। जोंगकुक तेय के बातों से शॉक्ड होकर उसे देखने लगता है, तो तेय खुद उसे अपने लैप पर खींच लेता है और प्लेट से स्पून उठाकर जोंगकुक के हाथ में देकर कहता है, लव मैं चाहता हूँ तुम अपने सॉफ्ट हैंड से मुझे खाना खिलाओ। जोंगकुक शायली ओके कहकर तेय को खाना खिलाने जाता है, लेकिन तेय का खाने पर कोई ध्यान नहीं था। तेयंग जोंगकुक के ईयरलोब पर बाइट कर उसे वह किस करने लगता है। जोंगकुक क्रैकिंग वॉइस में कहता है, ए तुम क्या कर रही हो तेय तेय? तेयंग कहता है, छोड़ो इसे, मुझे खाने की कोई भूख नहीं है, मैं अभी कुछ और खाना चाहता हूँ। ए कहकर तेय जोंगकुक को अपनी ओर टर्न कर अपने लिप्स से जोंगकुक के लिप्स सील कर उसे एग्रेसिवली किस करने लगता है, जिसे जोंगकुक सांस भी नहीं ले पा रहा था। तेयंग किस ब्रेक कर जोंगकुक के रेड स्वेलिंग लिप्स पर फिंगर से टच करते हुए डीप वॉइस में कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। दोनों खाना खाने के बाद होटल में थोड़ा एलन और क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। नेक्स्ट डे जोंगकुक जब नींद में मूव करने की कोशिश करता है, तब उसे अपने चेस्ट बहुत हेवी महसूस होता है। जोंगकुक आँखें खोल कर तेयंग के हेड अपने चेस्ट के ऊपर देखता है। जोंगकुक स्माइल कर तेयंग के सॉफ्ट हेयर पर फिंगर फिराते हुए लविंगली तेयंग के कान में उस्पर करके तेय को हाबी कहकर बुलाता है, जिसे सुनते ही आँखें खोल जोंगकुक के ब्यूटीफुल फेस के तरफ देख बॉक्सी स्माइल कर उसके गर्दन के पीछे एक हाथ रखता है और उसे अपने करीब खींचकर उसके लिप्स पर किस कर लेता है। इसी तरह एक और हफ्ता बीत जाता है। जोंगकुक लैपटॉप में कुछ इंपॉर्टेंट काम करने लगता है, तभी अचानक उस पर एक वॉयस प्ले हो जाता है। वॉयस सुन जोंगकुक थर थर कपने लगता है, उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जोंगकुक मन ही मन कहता है, इसका मतलब नूना के एक्सीडेंट के वजह से डेथ नहीं हुआ था, उन्हें तुमने मारा, लेकिन क्यों थे? तुम्हारी मेमोरी को कुछ भी नहीं हुआ, तुम उस दिन से मुझे बेवकूफ़ बनाते हुए आ रहे थे और मैं इतने दिनों से बेवकूफ़ बनता हुआ आ रहा था, कैसे मुझे सच्चाई दिखाई नहीं दिया? जोंगकुक भागने की कोशिश करता है, तभी उसे तैयंग के कार के साउंड सुनाई देता है। जोंगकुक तैयंग के डर से स्टोर रूम के अंदर आकर चुप जाता है। वाहन के बारे में सोचकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तैयंग मेंशन में एंटर कर जोंगकुक को बुलाने लगता है। अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तैयंग उसे कॉल करने ही वाला था, तभी उसे अपनी स्टडी रूम खुला हुआ दिखाई देता है। डोर लॉक ओपन देख तेय कमरे के अंदर आकर जल्दी से सीसीटीवी फुटेज ऑन करता है। ये देखने के बाद तेय पूरी तरह से पागल होने लगता है। तैयंग जोंगकुक को खोने के डर से पैनिक करने लगता है। तेयंग स्क्रीम कर जोंगकुक का नाम चिल्लाते हुए कहता है, बेबी आई नो तुम स्टोर रूम के अंदर ही हो, प्लीज़ बेबी मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलना बंद करो और अभी के अभी बाहर आओ। तेयंग के हार्ट जोर से धड़क रहा था और उसके बॉडी जोंगकुक को खोने के नर्वसनेस के कारण कांप रहा था। जोंगकुक तेय से डर रहा था, इसलिए वो बाहर नहीं आ रहा था। अब तेय सच में मैड हो जाता है। तेय किचन से नाइफ लेकर आता है और हाथ में नाइफ होल्ड कर स्टोर रूम के डोर पर हार्शली किक करता है, जिस वजह से डोर ओपन हो जाता है। तेय सीधा स्टोर रूम के अंदर आ जाता है। जोंगकुक तैयंग के हाथ में नाइफ देखकर डर जाता है। जोंगकुक रोते हुए कहता है,
प्लीज़ मेरे करीब मत आओ, मुझे मत मारो। तेयंग रस्सी से टाइटली जोंगकुक के हाथ और पैर बांध कर उसके सामने घुटनों पर बैठकर नाइफ से खुद को हर्ट करने लगता है, जिसे देख जोंगकुक और भी ज़्यादा डर जाता है। जोंगकुक क्रेजीली रोते हुए कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, कोई हेल्प करो प्लीज़, ते ऐसा मत करो प्लीज़। तेयंग नाइफ और ज़ोर से अपने हाथ में प्रेस करते हुए कहता है, लव तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें हर्ट करूँगा, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। जोंगकुक ते को रोकने के लिए कहता है, ओके मुझे तुम पर भरोसा है, प्लीज़ काम डाउन, प्लीज़ इसे फेंक दो। तेयंग कहता है, नहीं मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ सच पता चल चुका है। लव मैंने तुम्हारे सर्जरी इसलिए करवाई थी क्योंकि मैं हम दोनों के बीच किसी और को नहीं आने देना चाहता था, तुम्हारे प्यार सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए, मैं इसे किसी और के साथ शेयर कभी नहीं कर सकता। जोंगकुक रोते हुए कहता है, और तुमने नूना को क्यों मारा ते? तेयंग रोते हुए कहता है, वो मैं वॉयन को नहीं मारना चाहता था, लेकिन जब मैंने महसूस किया कि तुम उसके वजह से खुद के फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और उसके होते हुए मैं तुम्हें कभी अपना नहीं बना पाऊँगा, तब मेरे पास हम दोनों के बीच में से उसे हटाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। वो हम दोनों के बीच में आ रही थी, वो दीवार बांध चुकी थी, अगर वो जिंदा होती तो उसे इससे भी ज़्यादा पेन होता जब वो मुझे उससे दूर और तुम्हारे करीब होते हुए देखता। तो ट्रस्ट मी मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए मैंने उसे पेन से फ्री कर दिया। जोंगकुक को अब धीरे धीरे नामजोन और जिन के कही हुई बात याद आने लगता है, तेयंग कोई क्रिमिनल नहीं है, उसे बस मेंटल इशू है जिस वजह से उससे क्राइम हो चुका है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो बस अपने प्यार को लेकर इनसिक्योर है। तेयंग अपने ब्रेन प्रॉब्लम के वजह से इस तरह से बिहेव कर रहा है। तेयंग को बैडली रोते हुए देख जोंगकुक को बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसके दिल में। जोंगकुक उसे टाइटली हक कर उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। तेयंग के आंखों में आंसू था। ते कुकी के चेहरे को प्यार से सहलाते हुए कहता है, आई लव, उसके वर्ड टूट रहा था। जोंगकुक के आंखों में भी आंसू आ जाता है। जोंगकुक आज से पहले कभी ते को ऐसी हालत में नहीं देखा था। जोंगकुक डरी हुई आवाज़ में पूछता है, क्या हुआ? तेयंग अपने कांपती हुई हाथों से जोंगकुक के फेस होल्ड कर अपने करीब खींचकर उसे पैशनेटली किस करने लगता है। जोंगकुक अनजाने में ही उसे वापस किस बैक करता है। ते धीरे से कहता है, बेबी बॉय मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत ज़्यादा गलत किया है, मुझे पता है तुम्हें अपने लाइफ में मुझसे भी ज़्यादा बेटर पर्सन मिल जाएगा। तेयंग कुकी के फेस से हाथ हटा लेता है। तेयंग के आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे थे और कुकी भी उसके कारण रो रहा था। जोंगकुक तेयंग के तरफ देखकर रोते हुए कहता है, ते तुम्हें क्या हो गया है? तुम अचानक इस तरह के बात क्यों बोल रहे हो? तुम मुझे डरा रहे हो? मैं किसी और को अपने लिए नहीं चाहता। तेयंग अपने हाथों से अपने बेबी बॉय के आंसू वाइप कर उसके लिप्स पर किस कर डीप वॉइस में कहता है, आई लव यू और तुम सिर्फ मेरे हो। तेयंग नाइफ से अपने हाथ में बहुत डीप काट लगा लेता है। तेयंग के हैंड ब्लड से पूरी तरह से कवर हो चुका था और वो जोंगकुक के आर्म्स में ही अनकॉन्शियस हो गया था। ब्लड देख जोंगकुक पैनिक करने लगता है। जोंगकुक तुरंत फ़ोन उठाता है और एम्बुलेंस को कॉल करता है। जोंगकुक ते को अपने बाहों में होल्ड करके एम्बुलेंस के अंदर बैठा हुआ था। कुकी सिसकिया लेते हुए कहने लगता है, प्लीज़ ते मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बिना, प्लीज़ अपने कुकी को अकेला मत छोड़ो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे अपने पूरे दिल से प्यार करता हूँ। सब तेयंग के हॉस्पिटल के कमरे के बाहर ही खड़े थे और उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। नामजुन जोंगकुक के कंधे पर हाथ रख लो वॉइस में कहता है,
अब तुम सब कुछ जानते हो और सब कुछ जानने के बाद भी तुम उससे प्यार करते हो। क्या तुम्हें तेज से ज़रा भी डर नहीं लगता कि वो तुम्हें भी अपने गुस्से में हार्म कर सकता है? जोंगकुक कहता है, नहीं, मुझे अपने तेईते पर पूरा भरोसा है, वो कभी मुझे हर्ट नहीं करेगा। उसने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए किया था। जब मैं उसके साथ उसके पास रहूँगा, उसके अंदर खोने का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मैं उसके ठीक होने में मदद करूँगा। जिन जोंगकुक को तुरंत गले लगा लेता है और उसके फोरहेड पर किस करके कहता है, थैंक यू बेटा। तभी नर्स कहती है, आपके हस्बैंड को होश आ गया है और वो आपको ढूंढ रहा है। जोंगकुक भागते हुए अंदर आ जाता है। तैयंग फुट स्टेप की साउंड सुनकर स्लोली आइज ओपन करता है और दरवाजे के पास अपने लाइफ अपने बेबी बॉय को देखकर ते धीरे से कहता है, क्या तुम मेरे साथ जीना चाहते हो कपकेक? जोंगकुक रोते हुए हेड शेक करता है। तैयंग फिर से कहता है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? जोंगकुक रोते हुए यस कहता है। तैयंग कहता है, तो तुम वहाँ क्यों खड़े हो? मेरे पास आओ। जोंगकुक तैयंग के पास आकर उसके चेस्ट पर हिट करके एंग्री टोन में कहता है, यू साइको, तुमने मुझे डरा दिया था, दोबारा ऐसी हरकतें की तो जान से मार दूंगा। इससे पहले कि जोंगकुक और कुछ कह पाता, तैयंग अपने लिप्स से उसके लिप्स कैप्चर कर उसे शांत करा देता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद तैयंग और योंगी खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। तैयंग के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था जो ये साबित कर पाए कि तेई ये सब कुछ किया है, लेकिन पुलिस को योंगी के खिलाफ एविडेंस मिल जाता है। योंगी कार रिमोट से कंट्रोल कर रहा था और तो और उसी ने क्लब मैनेजर को पैसा देकर खरीदकर जिमिन को ड्रग्स दिया था, ये भी प्रूव हो चुका था। तैयंग 2 साल अपने पनिशमेंट झेलने के बाद फाइनली सेल से बाहर आ चुका था। ते बाहर आकर अपने पावर का इस्तेमाल करके योंगी को बाहर निकलने की कोशिश करता है। ते अब पूरी तरह से बदल चुका था। ते अब ज़्यादातर काम में खुद को बिजी रखता है और लेट नाइट घर वापस आता है, क्योंकि वो अपने एक्शन से जोंगकुक को हर्ट नहीं करना चाहता था। जोंगकुक जो ते के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था और घर में ही रहने लगा था ताकि ते को फिर से मेंटल इशू से गुजरना ना पड़े। जोंगकुक अपने हस्बैंड के लिए इंतज़ार करते हुए डाइनिंग टेबल पर ही सो गया था। डोरबेल बजते ही जोंगकुक भागकर जाकर डोर ओपन करता है। जोंगकुक ते को हाँक कर उसके चिक्स पर किस करके कहता है, वेलकम होम, तुम थक गए होंगे ना, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक खाना गर्म करके लाता हूँ। तैयंग कहता है, नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं ऑलरेडी खाना बाहर से खाकर आया हूँ। जोंगकुक गुस्से में कहता है, एक क्या बात हुई, मैं एवरी डे तुम्हारे लिए कुकिंग करता हूँ और एक साथ बैठकर खाने के लिए इंतज़ार करता हूँ, ये सुनने के लिए कि तुम बाहर से खाना खाकर आए हो? अगर ऐसा ही करना है तो तुम मुझे कॉल करके पहले इन्फॉर्म तो कर सकते थे ना। दिन भर ये सब करते हुए मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, तुम्हें इसका कोई आइडिया भी है? तेईते तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो, तैयंग कोल्ड टोन में कहता है। क्या मैंने तुम्हें कहा कि मेरे लिए इंतज़ार करो? क्या मैंने तुम्हें कहा तुम मेरे लिए कुकिंग करो? और क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम खाना मत खाओ? खुद से ये सब कुछ करके क्या जताने की कोशिश कर रहे हो तुम? तैयंग के हार्श वर्ड सुनकर जोंगकुक के आंखों से अपने आप आंसू गिरने लगता है। ते उसके आंसू को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके लिए इसे इग्नोर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तैयंग अपने बेबी बॉय को अपने आर्म्स में होल्ड कर उसके होल फेस पर किस करते हुए कहता है, सॉरी बेबी, मैं तुम्हें और हर्ट नहीं कर सकता, मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तुम जानते हो तुम मेरे ऑब्सेशन हो और मैं अपने ऑब्सेस्ड नेचर और ऑब्सेस्ड लाभ से तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मुझे अब खुद से डर लगने लगा है, मैं पिछले कुछ दिनों से तुमसे रूडली बिहेव कर रहा था ताकि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, लेकिन मैं अब इसे और कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सॉरी लव, सॉरी माई बेबी,
मैंने बहुत कोशिश किया था कि मैं खुद को तुम्हारे लिए चेंज कर सकूं, लेकिन अब लगता है मैं इससे में भी बहुत ज़्यादा बहुत ही बुरी तरह से फेल हो गया हूँ। युंगी अपने घर में रेस्ट कर रहा था, अचानक डोरबेल बजी तो युंगी पहले इसे इग्नोर कर देता है, लेकिन बार बार डोरबेल बजी जा रहा था तो युंगी लेजीली डोर ओपन करने के लिए आ जाता है। जैसे ही युंगी डोर ओपन करता है, युंगी दरवाजे के बाहर जिमिन को खड़ा देखकर सरप्राइजिंग टोन में कहता है, तुम यह क्या कर रहे हो जिम? क्या तुम इससे पहले युंगी और कुछ कह पाता, जिमिन उसके लिप्स अपने लिप्स से कैप्चर कर युंगी को हंग्रीली किस करने लगता है। जिमिन के हंग्री किस से युंगी के वर्ड उसके माउथ के अंदर ही दब जाता है। जैसे ही जिमिन किस ब्रेक किया, युंगी कहता है, जिम। जिमिन अपने इंडेक्स फिंगर युंगी के लिप्स पर रखकर कहता है, श युंगी। युंगी कहता है, जिमिन कहता है, क्या मुझे वापस अपने गुड नाइट किस नहीं मिलेगा? युंगी जानबूझकर जिमिन को टीस करते हुए कहता है, नहीं, तुमने अपनी किस पहले ही ले लिया है। जिमिन अपने लिप से क्यूट पाउट बनाकर पापी आइस करके प्लीडिंग टोन में कहता है, प्लीज़ बेबी, आई वांट दिस किस। युंगी कहता है, नो, तुमने अभी तक मुझे मेरी क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दिया, और तुम इतने रात को मेरे घर पर क्या कर रहे हो? जिमिन युंगी को वॉल पर पुश कर उसे फिर से किस करते हुए कहता है, आई लव यू। मैं नहीं जानता तुम्हें मेरी बात पर भरोसा होगा या नहीं, या फिर मेरे वर्ड सुनने में तुम्हें रियल लग रहा होगा या नहीं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, आई लव यू। तुमने मुझे तब सपोर्ट किया जब मैं बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था और मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। तुम मेरी ज़िंदगी में तब आए जब मैं खुद हरा हुआ महसूस कर रहा था और बहुत अकेला महसूस कर रहा था। तुमने मुझे टूटते हुए देखा, तुम्हें मेरी पास्ट लाइफ के बारे में अच्छे से पता है कि मैं एक प्ले बॉय हूँ और मैं अपने नीड्स के लिए बहुत सी लड़कियों के साथ इंटीमेट भी हुआ हूँ, फिर भी तुम मुझसे प्यार करते हो। उस दिन तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था, आज मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। युंगी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। युंगी कहता है, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? ये जानने के बाद भी कि मेरी वजह से तुम्हारी सिस्टर की डेथ हुई, जिमिन कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ? मैं 100% श्योर हूँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सो मिस्टर साइलेंट, डू यू स्टिल वांट टू मैरी मी? युंगी जिमिन के रिस्ट पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसे किस करते हुए कहता है, युंगी नॉट साइलेंट, नाउ यू आर माइन। और जब से मैंने तुमसे प्यार करना स्टार्ट किया है तब से मैं तुम्हारे लिए अपना हार्ट ओपन रखा, और मैं यही चाहता हूँ कि अब तुम भी यही करो। जिमिन स्माइल कर युंगी के बात पर नोट करता है। नेक्स्ट डे तेंग प्यार से अपने बेबी बानी को नींद से उठाने की कोशिश करता है। जोंगकुक आंखें बंद करके ही स्लीपिंग टोन में कहता है, प्लीज़ तेई तेई, थोड़ी देर और सोने दो ना, लास्ट नाइट मैं सो ही नहीं पाया था। तेयंग जोंगकुक के शर्ट के अंदर अपने लार्ज हैंड स्लाइड कर उसके चेस्ट पर मसाज देना स्टार्ट कर देता है। जोंगकुक आंखें बंद करके ही मौन करते हुए कहता है, प्लीज़ तेई तेई, ऐसा मत करो ना, मैं इसे और टॉलरेट नहीं कर पाऊँगा। तेयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, बेबी वेक अप, बेबी बनी, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। जोंगकुक कहता है, प्लीज़ तेई तेई, ब्लैकमेल मत करो, सोने दो। तेयंग साइलेंटली अपने जिद्दी बनी को शांति से सोते हुए देख रहा था, ते कुछ भी बोल नहीं रहा था। तो जोंगकुक फिर से कहता है, क्या होगा अगर मैंने अभी तुम्हारे बात नहीं मानी तो? तेयंग अपने फिंगर से जोंगकुक के बेली बटन टच कर डीप हंस के वॉइस में कहता है, तुम्हारे पास कोई दूसरी चॉइस ही नहीं है बेबी बॉय, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ या कोई इंसान के लिए इंटरेस्टेड हो तो उसे मैं किसी भी कीमत पर हासिल कर लेता हूँ। ये कहकर तेयंग जोंगकुक के ऊपर से एकदम से ब्लैंकेट खींच लिया। जोंगकुक खुद को हाइड करने में बिजी हो जाता है। तेयंग कुकी को शर्माते हुए देखकर स्मार्क करता है, बेबी उठ जाओ,
डैड और पापा नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर हम दोनों के लिए इंतज़ार कर रहा है। फाइनली अब तुम मेरे साथ हो और सब कुछ सॉल्व हो चुका है, तो इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन सबके साथ सेलिब्रेट करने से पहले मैं अपने बेबी के साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। जोंगकुक तेंग के हैंडसम फेस की तरफ देख क्यूटली ब्लिंक करते हुए कहता है, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तेयंग कहता है, ओ लव, यू डोंट नो हाउ मच आई लव यू माई बेबी बनी। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, अगर कोई तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करेगा मैं उसे जिंदा जला दूंगा। जोंगकुक कहता है, तेते तुम फिर से ऐसी बातें कर रही हो, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, एक नॉर्मल इंसान की तरह। तेयंग के लास्ट फुल आइज जोंगकुक के नेकेड बॉडी को घूर रहा था। जोंगकुक के लिए ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल था क्योंकि एवरी नाइट दोनों एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के सामने ऐसे ही होता है। ते जोंगकुक के लिप्स पर डीपली किस कर उसके कान में धीरे से कहता है, सो माइन। तेयंग प्योर लव के साथ उसे किस करता है। जब भी तेई मुझे किस करता है मुझे वही सेम फील होता है हमारे वेडिंग डे के दिन जब तेई ने मुझे किस किया था। मैं अपने स्टोमक पर बटरफ्लाइज महसूस किया था और अभी भी सेम वही महसूस कर रहा हूँ मैं। तेई और कुकी अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करता है। तेयंग जोंगकुक को अपने साथ पेरिस ट्रिप पर लेकर आता है हनीमून के लिए, क्योंकि शादी के बाद दोनों अपने हनीमून पर नहीं जा पाया था। जिमिन युंगी को अपने साथ मैरिज के लिए कोर्ट लेकर आता है। युंगी कहता है, जिम तुम मुझे यह क्यों लेकर आए हो। जिमिन कहता है, क्योंकि मैं तुमसे आज और अभी शादी करना चाहता हूँ। इसलिए जिमिन पहले से ही सब कुछ तैयार करके रखा था। जिमिन मैरिज सर्टिफिकेट युंगी के सामने रखकर कहता है, इस पर साइन करो। क्योंकि बिना सोचे पेपर पर साइन कर देता है। शादी कंप्लीट हो चुका था। युंगी जिमिन को अपने साथ कार में लेकर आया था। जिमिन कहता है, अब क्या करना है। युंगी कहता है, जिम तुम अपने पेरेंट्स को शादी के बारे में इन्फॉर्म नहीं करना चाहते हो। जिमिन कहता है, नहीं, अगर मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट मुझे नहीं मिला तो क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। युंगी बिना कुछ कहे कार स्टार्ट करता है। जिमिन युंगी के हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, रुको तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। युंगी कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ घर लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि आज से और अभी से तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहने वाले हो। जिमिन स्माइल करके कहता है, हाँ तुम और मैं एक घर में रहने वाले हैं। युंगी कहता है, एग्जैक्टली सिर्फ एक घर में ही नहीं, एक ही बेडरूम और सेम बेड शेयर करने वाले हैं हम और खुद को भी। युंगी के वर्ड सुनकर जिमिन ब्लाश हो जाता है। पेरिस में तेकुक के हनीमून के सेकेंड डे है आज। जोंगकुक नींद से उठकर स्लोली बेड पर बैठ जाता है। जोंगकुक बेड पर तेई को ना देखकर अपने लिप से सैड पाउट बना लेता है। फिर उसका नज़र फ्लोर पर गिरा हुआ तेयंग और अपने क्लोथ पर पड़ता है, जो लास्ट नाइट एक्टिविटी के दौरान दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत एग्रेसिव होकर एक दूसरे के बॉडी से कपड़े निकलकर ग्राउंड पर फेंक दिया था। जोंगकुक लास्ट नाइट के बारे में याद कर बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। जोंगकुक मन ही मन सोचने लगता है, ते कहाँ गया होगा, वो भी मुझे बिना बताए। लास्ट नाइट उसने कहा कि वो मुझे स्पेशल डेट पर लेकर जाना चाहता है। आई थिंक मुझे अब फ्रेश होकर खुद को डेट के लिए तैयार करना चाहिए। जोंगकुक बेड से नीचे उतर कर तेयंग के क्लोथ्स अच्छे से फोल्ड कर बेड पर रख कर अपने ब्लैक शर्ट और शॉर्ट उठाकर बाथरूम के अंदर आ जाता है। बाथरूम के अंदर आकर जोंगकुक खुद को मिरर में देखने लगता है। उसका फुल बॉडी रेड और पर्पल मार्क से कवर हो चुका था, जो लास्ट नाइट तेई उसे दिया था। जोंगकुक शावर लेकर कमरे में आकर ड्रेस पहनने से पहले ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर मेकअप से हिक्की और लव मार्क को छुपाने की कोशिश करता है। तभी उसे अपने नेक पर तेयंग के सॉफ्ट लिप्स महसूस होता है। जोंगकुक तेयंग के सामने खुद को हाइड करने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता है ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला।
तेयंग कुकी को अपने आर्म्स में कैरी कर उसे बेड पर लेकर आता है। जोंगकुक के हार्ट बीट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। उसे लगा ते अभी फिर से उसके साथ कुछ करने वाला है, लेकिन जब उसने देखा ते उसे बेड पर बैठा कर उसके लिए अलमीरा से कपड़े निकाल रहा है। जोंगकुक क्यूरियसली पूछता है, ते तुम मुझे कहाँ लेकर जाने वाले हो? तेयंग जोंगकुक के लिप्स पर फिंगर रख कर कहता है, रिलैक्स बेबी बॉय। ते उसे अपने हाथों से डेट के लिए तैयार करता है। तेयंग कुकी को लेकर डेटिंग प्लेस पर पहुंच चुका था। अंदर आते ही ते जोंगकुक से कहता है, बेबी गो एंड चेंज योर क्लोथ। जोंगकुक वाइडन आइज से ते के तरफ देखते हुए कहता है, हम दोनों डेट पर आए हैं और अभी तुम कपड़े बदलने की बात कर रहे हो। तेयंग कहता है, बेबी रिमेंबर मैंने तुमसे कहा था डेट बहुत स्पेशल है, अब चलो मैं खुद पर और कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। जोंगकुक चेंज कर लेता है। ते उसे डेटिंग पर बाथटब लेकर आता है। जोंगकुक अब धीरे धीरे सब कुछ समझ रहा था। कुकी कहता है, तो तुम ये चाहते हो, यू हंग्री टाइगर डोंट टच मी। जोंगकुक लिटिल बेबी की तरह अपने बॉडी पर बना हुआ रेड और पर्पल मार्क्स ते को शो करते हुए कहता है, देखो तुमने ये क्या किया है, लास्ट नाइट के एक्टिविटी के कारण मैं अभी भी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और तुमने मेरी बॉडी में काफ़ी मार्क भी छोड़ा है। अब मेरे लिए इसे हाइड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्या तुमने इस बारे में सोचा? जब हम घर वापस जाएंगे तब किसी ने इस बारे में पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? खाना है तो कुछ और खाओ, मुझे बाइट मत करो, इसे छुपाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तेयंग अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाता और ते लाउडली मुस्कुराने लगता है। जोंगकुक इससे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जोंगकुक कहता है, ते क्या तुम्हें ये सब कुछ फनी लगता है? हाँ अब तुम मुझे 1 वीक तक टच नहीं करोगे। तेयंग इनोसेंटली कहता है, आई एम सॉरी बेबी बनी, डोंट डू दिस टू मी ना, यू नो ना तुम्हारे बिना रह पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर पनिशमेंट देना है तो कुछ और कहो, क्योंकि मैं ये पनिशमेंट नहीं ले पाऊँगा। बेबी मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट बनाना मिल्क भी मेक करूँगा और खाना भी मैं खुद कुकिंग करूँगा, ठीक है? प्लीज़ एक्सेप्ट माई सॉरी। जोंगकुक तेयंग के चेस्ट पर लाइटली पंच करके कहता है, बनाना मिल्क हाँ ये बहुत ईजी है और अगर तुम फूड कुक करोगे तो रात तक हम दोनों को भूखा रहना पड़ेगा, सो तुम ये सब कुछ रहने दो, तुम बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं हो, तब इनोसेंट बनने का नाटक करना बंद करो, इस बार मैं फूल नहीं बनने वाला। तेयंग जोंगकुक के टेनी वेस्ट पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसके बॉडी में सोप अप्लाई कर सॉफ्टली रब करते हुए उसके शोल्डर पर किस करके कहता है, बेबी बॉय मेरे साथ नाराज मत रहो, आई एम सॉरी, प्लीज़ आई नीड यू बेबी बॉय। क्या तुम अपने तेई तेई की हेल्प नहीं करोगे? क्या तुम मुझे सफ़र करते हुए देखना चाहते हो? जोंगकुक मिरर के थ्रू तेई को देखते हुए कहता है, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ, जस्ट बी माइन। और हाँ वापस जाकर तुम अपने सेक्रेटरी मिस बेला को नौकरी से निकाल दोगे, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, 2 बार मैंने उसे इग्नोर किया, बट मैं जब भी तुम्हारे ऑफिस तुमसे मिलने जाता हूँ वो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, वो जिस तरह से तुम्हें देखती है इट्स सो चीप। तेयंग बॉक्सी स्माइल करके कहता है, ओ माय बेबी बनी इज सो जेलस, हाँ ओके उसे मैं निकाल दूंगा, अब बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? जोंगकुक कहता है, मैं अपने हस्बैंड के साथ वर्ल्ड टूर पर जाना चाहता हूँ, क्या है पॉसिबल है? तेयंग कहता है, यस। तेयंग बाथ टब में बैठा हुआ था और कुकी उसके लैप पर बैठा था। कुकी तेयंग के चेस्ट पर हेड रिलैक्स छोड़कर आइज क्लोज कर लिया था। तेयंग जोंगकुक के ईयर पर किस करके कहता है, लव तुम इस पोजीशन में कंफर्टेबल हो ना, यू फील गुड? जोंगकुक स्लाइडली अपने सिर ऊपर करता है ताकि तेई उसे और अच्छे से नेक पर किस कर सके। तेयंग जोंगकुक के नेक पर किस कर जैसे ही नीचे आता है जोंगकुक मौन करता है। तेयंग कहता है, बेबी बनी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जोंगकुक एक्साइटेडली पूछता है, क्या? तेयंग कहता है, आई लव यू बेबी, यू आर माई ऑब्सेशन,
विदाउट यू आई एम नथिंग, विदाउट यू आई कैन ब्रीथ प्रॉपरली। बेबी बॉय, क्या तुमने दिल से मुझे माफ़ कर दिया? आई नो, सर्जरी एक बहुत बड़ी बात थी। जोंगकुक इमीडिएटली तैयंग के लिप्स कैप्चर कर उसे किस करते हुए कहता है, आई फॉरगॉट एवरीथिंग तैतेई, मैं वो सब कुछ भूल चुका हूँ। मेरे लिए अभी सिर्फ हम दोनों की शादी और तुम और तुम्हारे प्यार इम्पोर्टेंट है। आई लव यू तैतेई। और इसी के साथ स्टोरी यहीं पर एंड होती है। आई होप कि आप लोग ब्रदर इन लॉ साइको ऑब्सेशन स्टोरी को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना मत भूलना, और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।